हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में एक्वेरियम क्लीनिंग की वीडियो को शेयर करने जा रहा हूं। ये आप देख पा रहे होंगे कि ये मेरा घर का एक्वेरियम है। आज हम इसको क्लीन करने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो को आपके साथ में शेयर किया जाए कि कैसे मैं घर के एक्वेरियम को क्लीन करता हूँ, पानी को कितने दिनों के बाद चेंज करता हूँ, उसको क्लीन करने के लिए क्या क्या प्रोसेस यूज करता हूँ। सिंपल है, आप में से बहुत लोगों को ये सब बातें पता होंगी, पर मुझे लगा कि एक बार आपके साथ में ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो मेरा एक्वेरियम है, पानी देखने से बहुत साफ लग रहा है, पर इसको साफ किए हुए अप्रॉक्स 4 मंथ्स होने को हैं। 4 मंथ्स होने के बाद भी पानी की क्लीनिंग आप देख पा रहे होंगे, तो चलिए अभी इसको क्लीन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने पूरी लाइट्स को ऑफ कर दी है, तो अभी आप देखिए पानी में थोड़ा पीलापन नज़र आ रहा है, पर ये उतना गंदा नहीं दिख रहा है। तो अभी हम इसको क्लीन करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि इस एक्वेरियम में से ही थोड़ा सा पानी एक बकेट में निकाल रहा हूँ। थोड़ा हाफ बकेट के करीब पानी आप मग से इसको निकाल लें। उसके बाद जो भी इसके अंदर के जो आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह हैं, प्लांट्स, डेकोरेशन आइटम्स, इनको भी मैं उसमें से अभी निकाल ले रहा हूँ। एक्चुअली बहुत सारी गंदगी इसके नीचे में भी बैठी रह जाती है, तो मैं चूंकि बहुत दिन के बाद सफाई कर रहा था, इसलिए अभी इन सबको पूरे अच्छे से क्लीन करूंगा। अब जो पानी हमने निकाला है उसमें नेट की सहायता से फिश को निकालकर उसी में डाल लेंगे, अलग से पानी यूज नहीं करेंगे। देखिए करके आराम से आप अपने फिशों को निकाल लीजिए। ये देखिए बहुत सारे फिश बहुत परेशान करती है, खासकर शार्क वगैरह, बहुत फास्ट मछली है, तो ये निकालने में बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। पर धीरे धीरे आराम से इनको एक एक करके हम निकाल लेंगे। ये देखिए बकेट में मैंने एक एक करके मछलियों को निकालना शुरू कर दिया है। मछली को निकाल लेने के बाद जो भी उसमें जो लगा हुआ है, जैसे ये टेम्परेचर मीटर है, तो इसको भी मैंने निकाल कर अलग कर लिया है। ये मेरा हीटर है, जो हीटर में उसमें लगा रहता है, तो हल्का हल्का मैंने उसको उसी पानी के साथ में क्लीन कर ले रहा हूँ, ताकि बाद में इसको अलग से क्लीन करने की ज़रूरत ना पड़े। इसको भी मैंने अलग रख लिया है। जो टॉयज वगैरह हमने लगा के रखे हैं ऑक्सीजन के लिए, वो भी मैंने निकाल लिए हैं। कुछ हाइडिंग प्लेस के लिए मैंने कैसल्स वगैरह भी डाल कर रखे हुए हैं। तो ये डेकोरेशन के आइटम मार्केट में इजीली मिल जा सकते हैं। ये भी आप देख पा रहे होंगे कि मैंने फिल्टर में इसमें अलग से फिल्टर लगा के कैनिस्टर फिल्टर रखा हुआ है, जिसकी पाइप अभी आपको दिख रही होगी। तो अभी मैं ग्लास को हल्के से स्कॉच ब्राइट लेकर अभी ग्लास को अच्छे से साफ कर लूँगा पानी के साथ में ही। जो पानी है उसमें ही मैं हल्के हाथों से स्कॉच ब्राइट को, ज़्यादा कड़े हाथ से यूज़ नहीं करना है, नहीं तो उससे ग्लास पर मार्क्स आ जाते हैं। हल्के हाथ से बस उसको ग्लास पर हल्के से चला लीजिए, ताकि जो एल्गी वगैरह जम रही है, हल्की फुल्की जो गंदगी जम रही है, वो आसानी से निकल जाए। ये बहुत हल्के हाथों से मैं उसको यूज कर रहा हूँ। अभी आप देख रहे होंगे कि पानी में कितनी गंदगी है। पहले पानी एकदम साफ लग रहा था, ये फिल्टर लगे होने के बावजूद पानी में इतनी गंदगी हो जाती है, क्योंकि मछली और ख़ासकर गोल्डफिश पानी को बहुत ज़्यादा गंदा करती हैं, आप सबको ये बात अच्छे से पता है।
कि गोल्डफिश का पानी जो है सो हमें बहुत जल्दी चेंज करना पड़ता है, पर फिर भी मैं 3.5 से 4 महीने पर अपने एक्वेरियम को साफ करता हूँ। 25% वाटर में 15 दिन से 1 महीने पर चेंज कर देता हूँ। ये देखिए, जब हम ग्रेवल्स उठा रहे हैं तो नीचे से कितनी गंदगियाँ बाहर आ रही हैं। तो इसमें मैंने जो स्टोन भी डाले हैं वो भी बड़े साइज़ के डाले हुए हैं ताकि वो मछली उसको निगल ना जाए। आपको पानी की गंदगी समझ में आ रही होगी। ये मैंने पाइप लिया है, नॉर्मल रबर पाइप है, जिसको मैंने कूलर की मोटर के साथ में जोड़ दिया है। इससे पानी निकालना काफ़ी आसान हो जाता है, हमें मग के द्वारा पानी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तभी मैं इसको कनेक्शन करके जोड़ दूंगा। तो ये जब कूलर का मोटर चलता है तो ये देख रहे हैं उसके पॉइंट पर कितनी गंदगी आ गई। इसको हल्के हल्के हाथों के सहायता से आप इसको पानी के अंदर घुमाते रहिए, जिससे कि जो गंदगी है वो इसके द्वारा ही पाइप के थ्रू बाहर आसानी से निकल जाएगी। नहीं तो ऐसे अगर आप मग से निकालेंगे तो पानी निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा और परेशानी भी होती है। तो ये मैंने एक कूलर का मोटर ही बना के रखा हुआ है और इसमें एक रबर पाइप को जोड़ देता हूँ जो पूरे पानी को आसानी से निकाल देता है। क्योंकि मेरा टैंक भी थोड़ा सा बड़ा है, ये 3 फीट साइज़ का टैंक है। इसकी साइज़ है 3 फीट, हाइट है 2 फीट और विड्थ है 1 फीट। ये देखिए, पानी आसानी से निकल जा रहा है। जो गंदगी है उसको मैं थोड़ा कूलर के मोटर को ही थोड़े से हाथ से मूव कर दे रहा हूँ, जो गंदगी को इजीली सक कर ले रहा है। ग्लास को हमने पहले ही थोड़े से स्कॉच ब्राइट या फोम की सहायता से अच्छे से क्लीन कर लिया था। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, ये आसानी से पानी को पूरा निकाल देता है। लास्ट में मैक्सिमम 1/2 इंच से 1 इंच पानी बच जाता है, लेकिन गंदगी पूरी निकल जाती है। देखिए, अभी मैक्सिमम गंदगी निकल चुकी है। तो बाकी जो बचा हुआ पानी है उसको मैं फोम के हेल्प से, ये नॉर्मल फोम है जो कहीं पर भी आपको इजीली मिल जाता है, घर में भी होता है और नहीं तो किसी भी फर्नीचर की दुकान से आप इजीली ले सकते हैं, 5 से 10 रुपये में वो आपको दे देते हैं। तभी मैंने पूरा पानी हटा लिया है। ये मेरा फिल्टर है। तो फिल्टर के क्लीनिंग की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फिल्टर की क्लीनिंग का वीडियो मैं अलग से डालूंगा। ये हमारा सनसन कंपनी का फिल्टर है, मॉडल नंबर है HW302। इसकी क्लीनिंग का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको अभी तक हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी हमारी इस टाइप की वीडियोस हमेशा देखने को मिलेंगी। तो अभी मैंने वापस इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और उसके बाद मैं स्टोन वगैरह को क्लीन करके ले आया हूँ, इसको मैं इसमें डाल दे रहा हूँ। थोड़ा सा पानी डालने से हेल्प ये होता है कि जो बड़े साइज़ के स्टोन को जब आप डालते हैं तो वो पानी के प्रेशर से उनका प्रेशर कांच के ऊपर कम पड़ता है, नहीं तो वो कांच पर जाके कस के टकराते हैं और कई बार हो सकता है कि इससे कांच ही फूट जाए। तो मैं शुरुआत में 3 से 4 इंच पानी डाल देता हूँ। ये जो आर्टिफिशियल प्लांट्स मैंने लगा के रखे हुए थे उनको मैं वापस से सेट कर दे रहा हूँ। एक टॉय है मेरे पास एक्वामैन, इसको भी मैंने सेट कर दिया है। उसके बाद मैं ये ग्रेवल्स को डाल दे रहा हूँ नीचे में। ये प्लांट्स देखने में भी अच्छे लगते हैं और फिश को भी एक हाइडिंग प्लेस प्रोवाइड कराते हैं। तो उनको भी नेचुरल एनवायरनमेंट का लुक आता है इससे। तो छोटे छोटे हाइडिंग प्लेसेस हैं जो मैंने अभी लगा दिए हैं। अभी मैं मेरे घर पर मैं इसमें पानी जो भरता हूँ वो बोर का पानी यूज करता हूँ। हमारे यहाँ कॉरपोरेशन का भी पानी है बट उसमें थोड़ा क्लोरीन मिक्स होता है, बोर का पानी मैं यूज करता हूँ। तो मैंने सामने से एक पतला गंजी का कपड़ा यूज किया है, जो पाइप में अगर कोई गंदगी होगी तो उसको वो पहले ही फिल्टर कर देगा। तो देख रहे हैं पानी बहुत तेजी में भर रहा है। तो अभी हम इसको भरने देते हैं, भरने में भी इसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है।
अप्रॉक्स जो इसमें पानी आता है वो अप्रॉक्स 300 लीटर्स के करीब पानी आता है। पानी अभी आपको थोड़ा धुंधला लग रहा होगा, लेकिन ये चूंकि अभी मैंने फोर्स में पानी फड़ा है इसलिए वो ऐसा लग रहा है। विद इन ए मिनट वो ये पानी पूरा सेटल होकर एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी हो जाता है। अभी मैंने बोर को बंद कर दिया है, तो अब मैं इसमें जो यूज करूंगा वो एंटी क्लोरीन लिक्विड है, ये मैं थोड़ा सा डालूंगा। क्योंकि हमारा ये मैंने बोर का पानी डाला है, इसमें क्लोरीन तो है नहीं, पर फिर भी मैं एज ए प्रिकॉशन 8 से 10 बूंद इसमें एंटी क्लोरीन लिक्विड डाल देता हूँ। अगर हम कॉरपोरेशन का पानी या सप्लाई का पानी यूज करेंगे तो हमें ज़्यादा डालना पड़ता है। ये एंटी ईच लिक्विड है, या इसको ब्लू लिक्विड भी बोलते हैं। तो जब मैं पानी चेंज करता हूँ तब इसमें 8 से 10 बूंद इसकी भी डाल देता हूँ। ये फिश को पानी चेंज होने के कारण जो थोड़ी इचिंग्स होती है या वाइट स्पॉट होते हैं उससे भी ये उनको बचाता है। तो ये आप देख पा रहे होंगे ये एंटी क्लोरीन लिक्विड है, ये आपकी चॉइस है, आप यूज कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। और ये एंटी इच या ब्लू लिक्विड जिसको हम बोलते हैं वो है। अभी देखिए पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर क्लीन हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा रॉक साल्ट या सिंधा नमक, ये नॉर्मल खाने वाला नमक जो सफ़ेद नमक होता है, आयोडीन नमक वो नहीं है, ये सिंधा नमक है जिसको हम रॉक साल्ट भी बोलते हैं या पिंक सॉल्ट बोलते हैं, ये मैं थोड़ा सा 3 से 4 चम्मच इतने पानी में डाल दूंगा। ये एक तरह से फिश मेडिसिन भी है, जो उनको पेट में अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह फॉर्म करते हैं तो ये उससे प्रिकॉशन करता है। ये मैंने इसमें मेरा हीटर है जो 200 वाट का है, ये मैं हमेशा लगा के ही रखता हूँ। ये ऑटो कट ऑफ का हीटर है, तो पानी जब रिक्वायर्ड टेम्परेचर से थोड़ा सा भी कम होने लगता है तब ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। तो ये मैं बरसात के टाइम से लेकर गर्मी शुरू होने तक में मैं इसको लगा के ही रखता हूँ। मैंने पहले ही इस बकेट में थोड़ा सा फ्रेश वाटर भी मिक्स कर दिया था, तब हम लोग नेट की सहायता से फिश को वापस से नए पानी में डाल देंगे। अभी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कितने अच्छे से फिश पूरी खुश है और पानी भी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया हुआ है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। बहुत जल्दी भी मैं अपने फिल्टर का भी क्लीनिंग का वीडियो आपको के साथ शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अभी अच्छी लगी होगी। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि लाइट बंद है फिर भी पानी कितना क्रिस्टल क्लियर है। अभी मैंने लाइट के साथ में ये वीडियो शूट किया है, तो अभी आप देख पा रहे होंगे पानी लग ही नहीं रहा है कि वहाँ पर पानी भी है, लग रहा है कि मछलियाँ हवा में तैर रही हैं। पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। ये एक्वेरियम मैंने 4 महीने पर साफ किया है अप्रॉक्स। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो and please subscribe our channel. Thank you.